नमस्कार, सुस्वागत एंड वेलकम अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायराकी। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन है, मिल जाती है। आज का विषय बहुत अच्छा है। आज का विषय, क्या कांच टूटना अच्छा होता है? क्या कांच टूटना शुभ होता है या शुभ? चलिए इस विषय पर बात करते हैं। कांच जुड़ा होता है शनि ग्रह से। कांच का टूटना मुझे नहीं मालूम लोग क्या समझते हैं, बट मैं हमेशा शुभ समझती हूँ। बहुत से लोग आपको कहेंगे कांच का टूटना अशुभ होता है, क्योंकि पहले तो कांच टूट गया, फिर किसी को चोट लग जाए तो वो एक अशुभ हो गया, उसके बाद फिर कांच टूट गया तो नुकसान हो गया। अरे, ज़िंदगी में आए हैं तो ये सुख दुख नुकसान ये सब तो चलता ही रहेगा। मेरा मानना है कांच का टूटना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। शनि की दृष्टि खत्म होती है। कांच जो है वो शनि ग्रह से जुड़ा होता है, आपकी नज़र उतरती है। कांच टूटता है तो आपके घर से कोई नेगेटिविटी बाहर निकलती है, आप पर आने वाली मुसीबत कांच अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन कांच का बार बार लापरवाही से टूटना, तो लापरवाही है कि आपकी मेड बर्तन धो रही है और वो बार बार कांच के गिलास या कप बार बार टूटे जा रही है, तो वो एक गैर जिम्मेदारी है, वो गलत है, क्योंकि उससे घर का नुकसान होता है और उसे चोट भी लग सकती है। शनि की पूजा करवानी चाहिए अगर कांच बार बार टूट रहा है। अगर ये शनिवार के शनिवार हो रहा है तो और भी संगीन है, बहुत सोचने की ज़रूरत है। क्या शनि की प्रकोप दृष्टि उस घर पर चल रही है? लेकिन जब भी कांच टूटता है तो आपके रिश्ते में कोई दरार आने वाली होती है, वो बचाती है। कांच अगर रसोई में बार बार टूट रहा है तो रसोई का वास्तु ज़रूर चेक कराएं आप। कांच अगर शनिवार वाले दिन ही टूट रहा है तो खास ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त आपको कांच की कोई चीज़ या तोहफा गिफ्ट में दे और वो टूट जाए तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। क्यों? क्योंकि एक बात याद रखिए, आपकी और उसकी दोस्ती के बीच में कोई दरार थी, कोई मुसीबत थी, कोई प्रॉब्लम थी, आपकी दोस्ती टूटने वाली थी, वो ना टूटकर कांच टूट गया तो कहीं ना कहीं आपकी दोस्ती बच गई। तो ये अपने आप में एक अच्छा साइन है, इसे गलत ना माने। लेकिन टूटा हुआ कांच घर में रखना, ये गलत है। टूटे हुए कांच में अपना चेहरा देखना, ये गलत है। खासकर जिसमें हम आईने के रूप में जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, वो कांच कभी भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपके बेडरूम में टूटा हुआ कांच नहीं होना चाहिए, आपके रिश्ते टूटने लगते हैं। कई बार हम बड़ा अच्छा शोपीस लेकर आते हैं, वो टूट जाता है तो हम उसे चिपका चिपका के रखना शुरू कर देते हैं, ये भी अपने आप में बड़ा ही अपशगुन है। अरे, दिल को बड़ा कीजिए, टूटी है चीज़ तो नई भी आएगी। घर से कोई नेगेटिविटी निकली है, उसे जोड़ जोड़ के रखने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और दूसरा, कभी भी कोशिश करें किसी को ना कांच के तोहफे या गिफ्ट ना दें। किसी को कांच में शीशा चेहरा देखने के लिए भी नहीं देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि तोहफे में आप दें तो वो शनि की चीज़ें ना किसी को दें और ना ही शनि की चीज़ें किसी से लें। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं सदैव आपके साथ हूँ। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। फेसबुक पर जाकर मेरे पेज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंस्टा पर मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अपने लिए और मेरे लिए चेहरे पर एक मुस्कान ज़रूर।